नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पांडे चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। दोस्तों लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो ये देखने के लिए की जाती है कि आपके जो लिवर है उसका जो फंक्शन यानी कि उसका जो काम है ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉक्टर जो है वो कुछ चीजें आपके बॉडी में देखते हैं कि प्रॉपर नहीं है या सेल्फ एनालाइज जब वो करते हैं तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो करवा के आइए। लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि लिवर क्या है। लिवर अगर एकदम साधारण भाषा में कहा जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में एक फैक्ट्री है जो काफी चीजें बनाती है और काफी चीजें तोड़ के उसके शरीर के हमारे बाहर जो है वो निकालती है। तो इसे फैक्ट्री जो है साधारण भाषा में कही जाती है। अब क्यों की जाती है लिवर फंक्शन टेस्ट, ये देखने के लिए कि यह इट इज अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय योर लिवर इंक्लूडिंग प्रोटीन एंजाइम बिलिरुबिन विच इज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये इसलिए की जाती है ये देखने के लिए कि आपके शरीर में जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, बिलिरुबिन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनकी लेवल हाई तो नहीं है, उनकी लेवल लो तो नहीं है, जो नॉर्मल लेवल रहती है। नॉर्मल लेवल में सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो उनकी जो लेवल है वो नॉर्मल है, नहीं है, एबनॉर्मल है, लो है, हाई है, वो देखने के लिए जो है वो ये टेस्ट की जाती है। अब होता क्या है कि ये जो प्रोटीन एंजाइम्स है तो बिलिरुबिन जो है ये एक बाय प्रोडक्ट, इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जब हमारे शरीर में बनती है या बिखरती है, मतलब जब वो प्रोड्यूस होती है या फिर डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो बिलिरुबिन एक वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में बनते हैं, कई बाय प्रोडक्ट, तो उसमें से बिलिरुबिन है। तो इसको बाय प्रोडक्ट हम लोग क्यों बोलते हैं, हम लोग जब इसके टॉपिक पे आएंगे तो समझेंगे। सबसे पहला लिवर एंजाइम टेस्ट। तो ये एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स भी एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि जो चीज बनाने के लिए, जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो है वो काफी ज्यादातर हमारे बॉडी में उनका फंक्शन रहता है कि ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादातर वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें कौन से रहते हैं लिवर एंजाइम, कौन से है, एक है अल्कलाइन फॉस्फेटेज यानी कि ALP, दूसरा है एलेनाइन ट्रांसमिनेज यानी कि ALT, तीसरा है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज यानी कि AST, चौथा है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज यानी कि GGT। तो जब लीवर डिसीज होता है, जब लीवर में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है तो ये लेवल हाई हो जाती है, इसे कहा जाता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स। तो ये जब लेवल बढ़ जाती है हमारे बॉडी में ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू द लीवर, तब इनकी जो लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, जो कि इंडिकेट करती है ब्लड टेस्ट में कि जो लीवर का फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनका लेवर जो है वो हाई हो गया है। टोटल प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट जो की जाती है ये देखने के लिए कि जो हमारे जो बॉडी है वो मेजर द लेवल ऑफ प्रोटीन इन योर ब्लड, योर लीवर मेक्स प्रोटीन एंड लो प्रोटीन लेवल मेक्स इंडिकेट दैट योर लीवर इजंट फंक्शनिंग ऑप्टिमली। जो लीवर रहता है वो प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोटीन जो है बनाता है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर लीवर में किस तरीके का कोई इन्फेक्शन है तो मतलब कि प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चरिंग रहेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो वर्कर, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो मशीन है कोई ना कोई डिफॉल्ट रहेगा। तो डिफॉल्ट कहाँ होगा, लीवर में। लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, वो ऑप्टिमली प्रेजेंट नहीं है हमारे शरीर में प्रोटीन, तो मतलब लीवर में रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ आपको है। तो वो देखने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाई जाती है। अब आ जाओ बिलिरुबिन पे। बिलिरुबिन मैंने आपको बताया था कि बायो प्रोडक्ट है। क्यों बायो प्रोडक्ट है, जब कोई ब्रेक डाउन होता है फिर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस होती है कोई चीज हमारे शरीर में तो उसमें से एक बायो प्रोडक्ट निकलता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इट इज अ येलोइश सब्सटेंस फ्लूइड इन द बाइल विच इज अ फ्लूइड इन योर लीवर। जो बाइल रहता है ये एक डाइजेस्टिव जूस रहता है जो कि हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। डिटेल समझना है तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके बारे में डिटेल समझा है, वहां पे आप जाके इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो बाइल है इसके अंदर बिलिरुबिन रहता है जो कि एक येलोइश सब्सटेंस है। तो ये फ्लूइड है जो कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर होता है और उसके अंदर जो येलोइश सब्सटेंस है वो रहता है बिलिरुबिन बाइल के अंदर, ठीक है। अब बिलिरुबिन इज मेड ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन RBCs रेड ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में RBCs हैं जो खून में पूरे शरीर में दौड़ते रहते हैं। अब उनकी भी एक लाइफस्टाइल रहती है, वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो जब खत्म होते हैं तो ब्रेक डाउन जब होते हैं तब ये प्रोसीजर में, ब्रेक डाउन के प्रोसीजर में बिलिरुबिन बनता है। जब वो RBCs ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें से बिलिरुबिन निकलता है। तो इसलिए मैंने उसके बाय प्रोडक्ट आपको पहले ही बताया। हेल्दी लीवर मोस्ट ऑफ द बिलिरुबिन फ्रॉम योर बॉडी, इफ लीवर डैमेज बिलिरुबिन कैन लीक आउट इनटू योर ब्लड।
अब जो आरबीसी हैं उनकी लाइफ स्पैन जो है वो खत्म हुआ, वो ब्रेकडाउन हुई, उसमें से बिलिरुबिन निकला तो कहां जाएगा, तो लीवर उसे अपने पास लेती है। प्रोसेस जो घूमता है, जो लीवर के पास जाता है तो लीवर उसे अपने पास रखता है। वो क्या करता है, वो बाइल में इसको भेज देता है, क्योंकि ये जब बाइल में जाता है तो ये डाइजेस्टिव जूस का जो है वो एक पार्ट बन जाता है, इसे डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाइल वगैरह के इस्तेमाल में। अगर लीवर में डैमेजेस आ जाते हैं या लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन काम नहीं करती है तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा हमारे ब्लड के अंदर ही जो है वो घूमता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस मतलब क्या, आय स्किन जो येलोइश पड़ जाती है, आपकी आंखें, आपकी स्किन जो है वो काफी पीलापन जो है वो उसमें आ जाता है, जो हम लोग बोलते हैं पीलिया हो गया, वो जॉन्डिस जो है वो इसकी वजह से होता है। क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर। तो ये देखने के लिए कि लीवर का फंक्शन प्रॉपर है नहीं है, और है तो किस हद तक खराब है और किस हद तक जो है वो ज्यादा बढ़ गया है जो उसका इन्फेक्शन है, तो वो सब देखने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाई जाती है। बच्चों में जो न्यू बॉर्न रहते हैं, इन्फेंट जिसे हम लोग कहते हैं, जो काफी छोटे रहते हैं, तो उनमें कभी कभी देखते हैं कि पैदाइश जो बोलते हैं कि पीलिया हो गया या फिर जॉन्डिस हो गया। क्यों होता है, क्योंकि उनमें बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है। बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो लीवर है वो उस हद तक डेवलप नहीं होता है जिस हद तक, जैसे एडल्ट है हम लोग हैं, हमें जितना वो डेवलप हो जाती है वो उस हद तक डेवलप नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है, जब न्यू बॉर्निंग जब होते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो काफी जो रेड ब्लड से ब्रेकडाउन होता है तो वो उसे प्रॉपर तरीके से अपने पास लेके उसे फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। इसलिए न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग करके एक ब्लड टेस्ट होती है जिसमें काफी टेस्ट जो है वो की जाती है, तो उस पर एक अलग टॉपिक रहेगा न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के ऊपर। तो अगर नवजात बच्चों में जो रहते हैं अगर बिलिरुबिन ज्यादा है तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है, क्योंकि लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, इसकी वजह से ब्रेन डैमेज भी हो जाता है, बच्चे का मौत भी जो है वो पीलिया की वजह से हो सकती है। आपने हमने सुना होगा कि पीलिया की वजह से बच्चा जो है वो पैदा हुआ लेकिन पीलिया ज्यादा था, काफी पीला था बच्चा, तो वो गुजर गया। तो ये काफी चीजें जो होती है इम्प्रॉपर लीवर फंक्शनिंग की वजह से होती है। इसलिए लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे हमें डॉक्टर कहते हैं करवाने के लिए। आजकल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल भी जो है वो 3-3 महीने में, 6-6 महीने में बोलते हैं करवाई, ताकि आपके फंक्शन जो है वो लीवर के, किडनी के प्रॉपर है या नहीं वो देखने के लिए करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी और जो पॉइंट्स रहते हैं वो उसके बारे में हम लोग अभी आगे समझेंगे। अब तीन जो पैरामीटर्स जो है वो हमने लीवर फंक्शन टेस्ट के देख लिए, अब दो और पैरामीटर्स रहते हैं जो इसकी लीवर फंक्शन टेस्ट में देखे जाते हैं। चौथा जो है वो है एलडीएच, यानी कि लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस। ये भी एक एंजाइम ही रहता है। पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइम्स रहते हैं उसके आखिरी में एएससी होता है ना, एएससी ये सफिक्स जो है वो उसके इसमें दिया जाता है, या जो भी एंजाइम्स रहते हैं, तो ये इजी टू आइडेंटिफाई रहता है। कोई भी एंजाइम्स अगर आपको आते हैं तो ये आखिरी में उसे एएसई जो रहता है वो उसे आइडेंटिफिकेशन रहता है कि ये एंजाइम है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन को, मतलब प्रोसेस थ्रू विच योर ब्लड ट्रांसफॉर्म ग्लूकोज एंड शुगर इंटू एनर्जी। ये एक ऐसा एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम जो रहते हैं केमिकल्स रहते हैं वो किसी न किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर बनाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई चीज बनती है उसमें से कोई चीज बनती है, टूटती है वो फिर बनती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है प्रोसेस ब्रेक डाउन के वक्त जो इस्तेमाल होते हैं, जो कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो उसे एंजाइम्स जो है वो मानते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फंक्शन है वो स्पीड अप करते हैं, एंजाइम स्पीड अप द मेटाबोलिज्म, पाचन क्रिया को वो फास्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन प्रोसीजर जो है वो फास्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम हमारे बॉडी में जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो शुगर आता है, जो ग्लूकोज आता है, जो हम लोग कहते हैं कि जिससे हमको शरीर में एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। मैंने तो खाना खाया वो ग्लूकोज था, शुगर था, पर वो एनर्जी में जैसे कन्वर्ट होता है तो उसके लिए लगता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, जो कि शुगर को यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो ये लगभग हर टिश्यू में जो है वो पाया जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और इसका जो हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, मतलब ज्यादा प्रमाण में जो ये रहता है वो रहता है मसल्स में, लीवर में, किडनी में और रेड ब्लड सेल्स में रहता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर टिश्यू को कोई इंजुरी हो जाती है तो एलडीएच जो रहता है वो ब्लड स्ट्रीम में ज्यादातर जो है वो रिलीज होता है, मतलब लीवर में है, लीवर को कोई इंजुरी हो गया तो वो ज्यादा एलडीएच जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, और जिसकी वजह से एलडीएच लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल नहीं रहता है कि ये लीवर को इंजुरी हुई है कि मसल को या फिर कौन से हिस्से को, क्योंकि एलडीएच जो है वो लगभग पूरे बॉडी में जितने टिश्यूज हैं लगभग आपको कुछ ना कुछ प्रतिशत में एलडीएच देखने को मिलता है। तो एग्जैक्ट ये देखना कि इसके
एलडीएच जो है, मतलब जो उसका एलिवेशन जो है वो लीवर की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है, तो एलडीएच के साथ ज्यादातर जो डॉक्टर है वो दूसरे टेस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए कॉम्प्रीहेंसिव प्रोफाइल पैनल जो है वो आजकल बनता है ब्लड टेस्ट में, जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट जो है वो दिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपको जो तकलीफ है इसके एलडीएच की या फिर, तो वो काफी पैरामीटर्स जो है वो चेक किए जाते हैं, लीवर किडनी हम लोग देखते हैं कि लिपिड सब क्रॉस चेक करने के बाद डॉक्टर एक एग्जामिन करते हैं कि आपकी जो ब्लड टेस्ट है उसके हिसाब से आपको फिर ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। एक है प्रोथ्रॉम्बिन टाइमिंग यानी कि पीटी टेस्ट, ये देखो ये लैब टेस्ट मानी जाती है, मतलब आपको लैब में जाना पड़ता है, वहां पे प्रिक किया जाता है, वो देखा जाता है कि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। मतलब क्या, हमारे शरीर में एक नैसर्गिक एक पावर है कि मान लीजिए कि अगर मुझे खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होने के बाद अगर आप उसको कुछ भी ना करो तो कुछ समय के बाद वो खून सूख जाता है, जिसे हम लोग क्लॉट बोलते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है वो एक लेयर बन जाती है जो क्लॉट हो जाती है, बाद में धीरे धीरे वो शरीर के साथ जुड़ के वो नॉर्मल हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर रहती है, क्लॉटिंग प्रोसीजर जिसे हम लोग कहते हैं। तो ब्लीडिंग जब होती है वो टाइम, और जब क्लॉट पूरा हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग पर रुक जाके क्लॉट जब बन जाता है उसके ऊपर, वो टाइम जो रहता है, तो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, तो प्रोथ्रॉम्बिन टाइम में वो चीज जो है वो देखी जाती है। तो ये चीज आप सैंपल लेके लैब में नहीं कर सकते, ये फिजिकली जो है वो की जाती है। बाकी सब टेस्ट क्या होगी, फ्लेबोटोमिस्ट आपके पास आएगा, फ्लेबोटोमिस्ट कौन है वीडियो बनाया है मैंने, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, उसके बाद डिटेल जानकारी ले सकते हैं। फ्लेबोटोमिस्ट आपके पास आता है, ब्लड सैंपल लेता है, ट्यूब्स में लेता है, अपना नाम वगैरह सब डिटेल लेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट प्लेन ट्यूब में रहता है, और उसका जो सीरम निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन से, वो सीरम से फिर इसकी जांच जो है वो की जाती है, इसके पैरामीटर्स जो है वो देखे जाते हैं। तो बाकी सब चीजें तो उस प्रोसीजर से होगी, लेकिन प्रोथ्रॉम्बिन टाइम जो है वो प्रोथ्रॉम्बिन टाइम जो ऑन स्पॉट जो है वो किया जाता है, ये देखने के लिए कि ब्लीडिंग कैसा है, ब्लीडिंग कितने टाइम में, ब्लीडिंग के बाद जो क्लॉटिंग है वो कितने टाइम में हो रहा है, नेचुरल है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्यों देखी जाती है, कि कुछ लोग जो जिन्हें वारफरिन जो है वो दिया जाता है, वारफरिन ऐसी दवाई है जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देती है जल्दी। क्यों ऐसा दिया जाता है कि जिनका हार्ट अटैक हुआ है, जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है, या हार्ट से रिलेटेड जिनको कोई भी तकलीफ है, पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो गाढ़ेपन जो थोड़ा ब्लड गाढ़ा हो जाता है उसको पंप नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है उसको थोड़ा सा पतला रखने की कोशिश करता है, इसकी वजह से क्लॉटिंग जो है वो थोड़ा सा लेट होता है। तो ये देखने के लिए कि वारफरिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वारफरिन का ओवरडोज तो नहीं हो गया, क्योंकि क्लॉटिंग होना भी जरूरी है, एक लेवल जो होनी चाहिए, विस्कोसिटी जो होनी चाहिए ब्लड की वो भी जरूरी है, तो उस हिसाब से इसके डोजेस भी जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो वारफरिन लेते नहीं है, हमें तो कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है, उसमें भी देखा जाता है किसी का ब्लीडिंग डिसऑर्डर से बार बार कुछ ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसकी वजह से कोई इश्यू है, या फिर नोज ब्लीडिंग है, नाक में से जो खून जो है वो बहता रहता है, या फिर और कोई हेल्थ चैलेंज है जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी प्रोथ्रॉम्बिन टेस्टिंग जो है वो की जाती है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो असल में हमें क्या बताता है, व्हाट डज इट टेल्स यू, क्यों ये करवाने के लिए कही जाती है डॉक्टर द्वारा। तो एक तो हेपेटाइटिस हो गया, लीवर इन्फ्लामेशन जैसे जॉन्डिस हम लोग कहते हैं, वो अगर हो गया, इन्फ्लामेशन इन अल्कोहल और नॉन अल्कोहल रिलेटेड, मतलब जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो अल्कोहल के कारण से हुआ है या फिर बिना अल्कोहल के कारण हुआ है, तो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक इन्फ्लामेशन जो है वो रिलेटेड जो रहती है। उसके बाद अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर बाइल डक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो देखने के लिए ये टेस्ट करवाई जाती है। फंक्शन अगर इम्पेयर्ड है, मतलब जो उसका जो काम है वो अगर कोई डिस्टर्ब हुआ है, प्रॉपर तरीके से लीवर फंक्शन नहीं कर रहा, अगर ऐसा है, इफ सो हाउ मच, तो अगर हुआ है तो कितना खराब हुआ है, तो उस वो देखने के लिए भी, कितना इम्पेयर्ड हुआ है वो देखने के लिए भी। बाइल फ्लो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इफ सो हाउ मच, अगर बाइल फ्लो अगर डिस्टर्ब हुआ है, इम्पेयर्ड हुआ है, तो कितना हुआ है और क्यों हुआ है वो देखने के लिए। मेडिकेशन अगर कोई आप खा रहे हैं, कोई दवाइयां अगर ले रहे हैं किसी भी कारण, तो वो जाहिर सी बात है लीवर में ही जो है वो उसका ब्रेकडाउन होकर प्रोसीजर होता है, तो वो अगर मेडिकेशन जो है वो लीवर को अगर अफेक्ट कर रही है, लीवर को ब्रेकडाउन करने के लिए काम जो है वो उसका फंक्शन करने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो अगर ऐसी कोई बात है, इफ सो देन हाउ मच, वो मेडिकेशन कितना अफेक्ट जो है वो लीवर को कर रही है, कितना जो है वो उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, वो देखने के लिए किया जाता है। अब जो लीवर फंक्शन टेस्ट किया तो वो क्या डायग्नोस हमें करके देता है, एक तो फैटी लीवर डिसीज है देखने के लिए, टॉक्सिक हेपेटाइटिस है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी या सी, हिमोक्रोमाइटोसिस है, विल्सन डिसीज है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है, पीबीसी जिसे हम लोग कहते हैं, सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, ये अलग अलग जो चीजें हैं वो डायग्नोस करने के लिए जो है वो चीजें
ये ब्लड टेस्ट जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट की जाती है। अब रेफरेंस देख लेते हैं, जो लास्ट हम लोग रेफरेंस है जो एलानाइन ट्रांस अमीनेज जो रहता है, जिसे एएलटी अपने शुरुआत में पढ़ा था, जो एंजाइम्स है ये 0 to 45 आईयू पर एम एल, आईयू पर एल है यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। दूसरा है एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज यानी कि एएसटी 0 to 35 आईयू पर एल, एल्कलाइन फॉस्फेट है यानी कि एएलपी है 30 to 120 इंटरनेशनल यूनिट पर एल, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जीजीटी यानी कि 0 to 30 आयू पर एल। उसके बाद बिलीरुबिन देख लेते हैं, बिलीरुबिन 2 to 17 माइक्रोमोल्स पर एल, इसका जो यूनिट है वो अलग है, ये माइक्रोमोल्स में आ गया। प्रोथ्रोम्बिन टाइम है तो वो सेकंड्स में आएगा, तो कितने कम सेकंड्स में वो क्लॉटिंग हो रहा है, नेचुरल है या नहीं, तो उसका जो नॉर्मल रेफरेंस रह जाए वो 10.9 to 12.5 सेकंड्स है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन हमने बात किया था कि प्रोटीन जो रहता है तो उसमें एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन रहता है, तो एल्ब्यूमिन 40 to 60 g पर ग्राम पर एल और टोटल प्रोटीन जो रहता है वो 30 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग उसके रेफरेंस रहे जाए। सिंपल तरीके से मैंने आज का टॉपिक जो है समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।